आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना मैया ने अलीगढ़ के टप्पल इलाके में अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। बाढ़ के पानी से किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। टप्पल ब्लॉक से सटे गांव महाराजगढ़ व शेरगढ़ में कालिंदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि वह खतरे के भी निशान से ऊपर बह रही है। यमुना मैया जी का भयानक रूप देखकर इलाके के सभी तटवर्ती गांव में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। किसानों की हजारों बीघा से भी ज्यादा फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं यमुना से सटे गांव महाराजगढ़ में तो लोगों को नावों के सहारे अपनी मंजिल को तय करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने यमुना से सटे गांव महाराजगढ़ व शेरगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा रहा है। बढ़ते जल स्तर से गांव का मुख्य मार्ग भी पूरी तरीके से बाधित हो गया है। गांव शेरगढ़ में शिक्षा के मंदिर को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 2 फीट से भी ज्यादा पानी भर गया है, जिससे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बंद की जा चुकी है। गाँव वालों का कहना है कि अभी तक उन्हें खाद्य सामग्री व दवाइयां मुहैया नहीं कराई गई हैं। केवल अधिकारी पर्यटन स्थल की तरह गांव का जायजा लेने आते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। आखिर कब तक गांव वालों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाएगी? अलीगढ़ से लाइव टुडे के लिए संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खैर, टप्पल में दो गांव महाराजगढ़ और शेरपुर जो है वो बाढ़ के करीब के गांव है, और जिसमें कि आसपास के जो कृषि क्षेत्र है उसमें जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, परंतु अभी आबादी सुरक्षित है। नियमित रूप से अधिकारियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा दौरा किए जा रहे हैं। वहाँ के बाढ़ चौकी स्थापित कर दी गई है पास में प्राथमिक विद्यालय किशनपुर में, और साथ में फ्रंट पीएससी भी तैनात कर दी। यदि ऐसा पानी जो है अगर वो गांव के भीतर घुसता है तो उस हिसाब से हम लोग इनको इवैक्यूएट करा के बाढ़ चौकी पर स्थापित कर देंगे।